हे हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ICMA का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो हर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप CMA एग्जाम जून 2023 का देने वाले हो तो हर स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट आ रहा है, सर CMA एग्जाम जो जून 2023 में फाउंडेशन का, उसमें दो पैटर्न है, एज अ ओल्ड सिलेबस एंड एज अ न्यू सिलेबस, तो पेपर पैटर्न क्या होगा सर एग्जाम का, एक कॉमन डाउट आ रहा है। तो इस वीडियो में हम उस डाउट रिगार्डिंग बात करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट बताओ, उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सभी यूट्यूब चैनल अपने हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन है उसे प्रेस कर देना, ताकि CMA एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट या नोट्स आप मिस ना कर सके, बिकॉज ये आप सभी का लव है कि आज ग्रो नॉलेज यूट्यूब फैमिली 6000 की कंप्लीट हो जाएगी। सो अगेन रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लेना। नाउ अपडेट स्टार्ट करते हैं कि सर CMA फाउंडेशन का पेपर पैटर्न क्या होगा, एग्जाम मोड क्या होगा, इससे रिगार्डिंग भी बहुत डाउट आ रहा है, तो वो भी डाउट इसी वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, जो एक कॉमन डाउट आ रहा है हर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, नॉट ओनली CMA फाउंडेशन बट ऑल्सो इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स के भी माइंड में डाउट आ रहा है पेपर पैटर्न रिगार्डिंग, बिकॉज न्यू सिलेबस जो जून 2023 का है उसमें काफ़ी डाउट आ रहा है। तो मैं अभी CMA फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, कमिंग सून CMA इंटर एंड फाइनल रिगार्डिंग में फाइंड आउट करके आप सभी को बता दूंगा कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम मोड रिगार्डिंग अभी तक परेशान है, बहुत सारे लोगों ने बिकॉज उनके माइंड में एक भ्रम पैदा कर दिया है कि CMA फाउंडेशन एग्जाम जो होगा जून 2023 वो ऑफलाइन सेंटर बेस होगा। तो आप सभी प्लीज़ भ्रम से बाहर रहे, इस भ्रम से कि CMA फाउंडेशन एग्जाम ऑफलाइन सेंटर बेस होगा, ये पूरा प्योरली रॉन्ग है। CMA फाउंडेशन एग्जाम ऑलवेज ऑनलाइन होम बेस हुआ करता है। तो इस बार भी जून 2023 में आप न्यू सिलेबस का स्टूडेंट हो, ओल्ड सिलेबस का स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम ऑनलाइन होम बेस में ही होगा, MCQ बेस में। अब क्वेश्चन रिगार्डिंग बात करूँ पेपर पैटर्न, आपके चार सब्जेक्ट हैं जो चार ही रहेंगे यहाँ पे भी, बस आपका सब्जेक्ट चेंज हो गया है ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस का, जो पेपर नंबर 1 हुआ करता था न्यू सिलेबस में कुछ और नंबर है उसका, इस तरीके से। बट पेपर आपका सेम डे होगा, 50 MCQ पर क्वेश्चन पेपर, मीन्स कि एक दिन में आपका दो पेपर होता है, उस हिसाब से CMA फाउंडेशन का जिस दिन दो पेपर होगा तो जो भी पेपर नंबर 1 होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, मीन्स कि क्या 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा आपका, जो भी होगा आप राइट दिए तो राइट, रॉन्ग दिए तो मार्क्स नहीं मिलेगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। एंड हर सब्जेक्ट में यही प्रोसीजर एप्लीकेबल होता है CMA फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए। होपफुली अब आपके माइंड में कोई डाउट नहीं आएगा एग्जाम मोड रिगार्डिंग, पेपर पैटर्न रिगार्डिंग, कौन सा अब बात कर लूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कौन कौन से चैप्टर हाई वेटेज के रखते हैं, तो उससे रिगार्डिंग मैं कमिंग सून वीडियो लाऊंगा जो आपके माइंड में डाउट नहीं आएंगे कि कौन कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन से प्रेस कर दे।